अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज यहाँ पर आप देखेंगे चावल का पीठा, जिसे हमारे यहाँ तो इसे गोईठा भी बोलते हैं। तो ये उड़द दाल और चावल के आटे से बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उड़द को दाल को लेकर भिगो देना है 5-6 घंटे के लिए। फिर इसे आप मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिए। इस तरह से पेस्ट तैयार हो जाएगा। फिर इस यहाँ पर लहसुन, मिर्चा और जीरा डालकर हींग इन सभी को पीस लेंगे और मिक्स कर देंगे दाल में। ये उड़द की दाल है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को इस तरह से आप मिक्स करके एक तरफ रख लीजिए। तो देखिए मिक्स करने पे दाल ऐसा तैयार हो गया है। तो चलिए आटा गूंथ के रख लेते हैं। जो चावल का आटा है पिसा हुआ, इसे गूंथ लेना जैसे आप नॉर्मल आटा गूंथते हैं। और पानी में हम थोड़ा सा ऑयल डाल के उबालने के लिए रख लेंगे। तो थोड़ी सी आटा की लोई लेंगे और इसको जैसे आप पूड़ी बनाते हैं इस तरह से इसका चकवा बना लीजिए। और फिर ये जो दाल है उड़द की, तो इसको ऊपर से थोड़ा सा नमक और जीरा पाउडर आप डाल के इस तरह से इसको पीठा का आकार देना है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से आप हाथ से दबाइए या फिर डायरेक्ट आप हाथ पे इस तरह से रख के दोनों अंगूठों को पास में ला के आप इस तरह से दबाएंगे तो एकदम बन के तैयार हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो जो हमने पानी गरम किया है तो सभी को बना के लगभग 8-10 पीठा एक साथ बना के डालना है। फिर यहाँ पर 5 मिनट बाद जैसे पानी उबलने लगे उसमें डालना है इस तरह से। तो हम पूरे पीठे को इस तरह से डाल देंगे। अगर आप इकट्ठा बना के रख लेंगे तो बेहतर है। तो यहाँ पर हमने लगभग यहाँ पर 2 लीटर पानी डाला है और इसमें नमक भी ऐड कर दिया है पहले से। तो ये जैसे जैसे उबाले आएगा तो ये पीठा जो है ऊपर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर उबाल आने पर तो बारी बारी डालना है, जैसे 8-10 पीठा एक बार डाल दीजिए। जैसे ही आपकी फैमिली है उस हिसाब से आप बनाइएगा। तो यहाँ देखिए ये बन के लगभग तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसको और गाढ़ा कर लेना है, 10 मिनट पकाना है। अब देखेंगे ये पूरी तरीके से पक गया है। चलिए इसे सर्व करते हैं थोड़ा ठंडा करके। इस तरह से आप इसे काट के सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी इसे सब्जी के साथ। चाहे तो यहाँ पर आप सूरन की सब्ज़ी या आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने अचार के साथ सर्व किया है। तो देखिए इस तरह से पीठा हमारा बन के तैयार है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोग पसंद आए। तो यहाँ पे देखिए अंदर से ये कच्चा नहीं है, जब ये बाहर से पक जाएगा तो अंदर से ये कच्चा रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम आपको काट के दिखा रहे हैं। तो ये बेहतरीन तरीके से बन गया है। तो आपके तरफ इसको क्या बोलते हैं, गोईठा पीठा इसे क्या बोलते हैं कि चावल का फरा बोलते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले